मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं जिसका नेम है माय हाउस। माय हाउस का मीन्स होता है मेरा घर। तो बच्चों, जब भी आप अपने किसी दोस्त को कहते हो कि मेरे घर पर आज शाम को खेलने आना, तो आप उसे अपने घर के बारे में बताते हैं। कहते हो कि मेरा घर यहाँ पर है, अपने घर का एड्रेस बताते हो कि मेरा घर यहाँ है, तुम वहाँ पे आना। अपने घर के बारे में बताते हो कि मेरे घर में ये रहते हैं, मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मेरे भाई बहन रहते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि दादा दादी रहते हैं। फिर अपने घर के बारे में बताते हो कि मेरे घर के आगे पार्क है, मेरे घर में गार्डन है, मैं वहाँ पर खेलता हूँ। ठीक है, तो आज ऐसे ही इस चैप्टर में एक बच्चा अपने घर के बारे में बताएगा। तो बच्चों, इससे आपको क्या पता लगेगा? इससे हमें ये पता लगेगा कि जब भी हम किसी को अपने घर के बारे में बताते हैं तो क्या क्या, कैसे कैसे और क्या क्या बताते हैं, तो आज हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें एक पिक्चर दी है जो कि एक डॉटेड पिक्चर है। इस पिक्चर को आपने क्या करना है बच्चों, इन जो डॉटेड डॉट्स लगे हैं इनको आपने ज्वाइन करना है और आपको इस पिक्चर में कलर फिल करने हैं। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद है व्हाट हैव यू ड्रॉन, कि आपने क्या ड्रॉन किया है। आई आप लिखेंगे आई हैव ड्रॉन अ हाउस, कि मैंने हाउस ड्रॉ किया है। ठीक है, नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर, कि आपने इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो बच्चों, आप लिखेंगे कि आपने इसमें एक हाउस देखा है, अ हाउस। उसके बाद आप लिखेंगे कि यहाँ पर कुछ ग्रास है, ये तो आपने यहाँ पर कुछ ग्रास देखा है। यहाँ पर आप ग्रास लिखेंगे कि ग्रास देखा है। फिर विंडोज़ हैं, विंडोज़ लिखेंगे। डोर है, डोर लिखेंगे। अगर आपको उसके अलावा कुछ और दिखता है तो आप वो भी लिख। तो बच्चों, अब हम अपने चैप्टर को रीड करेंगे। रीड करने से पहले हमें एक यहाँ पर फोटो दी है। फोटो में एक बहुत ही सुंदर सा घर दिख रहा है और यहाँ पर एक लड़का इस लड़के को अपने घर के बारे में बता रहा है। तो आइए जानते हैं बच्चों, अब ये उसे अपने घर के बारे में क्या बता रहा है। ये कहता है माय नेम इज़ आशु, कि मेरा नाम आशु है। आई लिव इन हरियाणा, कि मैं हरियाणा में रहता हूँ। दिस इज़ माय हाउस, यह मेरा घर है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, यह बहुत ही सुंदर घर है। आई लिव इन इट विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर, कि मैं इस घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि दादा दादी के साथ, मदर फादर अपने माता पिता के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर भाई बहनों के साथ रहता हूँ। ठीक है बच्चों, उसमें आगे लिखा है इट हैज़ 5 rooms, कि इसके अंदर 5 कमरे हैं। अ किचन एंड अ बिग ड्राइंग रूम, कि एक किचन है जिसे हम रसोई घर, किचन है, रसोई घर है, एंड अ बिग ड्राइंग रूम, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम क्या होता है, जब भी कोई हमारे घर पर आता है, कोई गेस्ट आता है, तो हम उसे ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर के सामने एक छोटा सा गार्डन है। आगे लिखा है देयर इज़ अ बिग नीम ट्री ऑल्सो आउटसाइड माई हाउस, कि मेरे घर के बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ है। माई फादर इज़ अ टीचर, कि जो मेरे पिता हैं वो टीचर हैं। माई मदर इज़ अ नर्स। माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस नाइस स्टोरीज एट नाइट, कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मुझे रात को कहानी सुनाते हैं। आई लव माई हाउस वेरी मच, कि मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं। और बच्चों, आप जब भी आप किसी को भी अपने घर के बारे में बताएंगे तो आपको कुछ पता लगा होगा
कुछ समझ आया होगा कि आपको किस तरह अपने घर के बारे में बताना है। उसके बाद हमें यहाँ पर वर्ड न्यू वर्ड्स दिए हैं, न्यू वर्ड्स हैं जो हमने जो आप बच्चों के लिए नए शब्द हैं और उनके हिंदी में मतलब दिए हैं। सबसे पहला जो वर्ड दिया है वो है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। फिर है लीव, लीव होता है रहना। लव, लव है स्नेह करना। फिर है किचन, किचन होता है रसोई घर। गार्डन, बगीचा। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। आउटसाइड, बाहर। स्टोरी, कहानी। तो बच्चों आज हम ये जो चैप्टर है यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे वीडियो में हम अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।